वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हरा दिया। जी हां, भारतीय टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान को 89 रन से हराते हुए आईसीसी आयोजनों में पाकिस्तान के खिलाफ, आपको बता दें कि 7-0 की बढ़त बना ली है। और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और कप्तान विराट कोहली की उम्दा पारियों की मदद से 50 ओवरों में 5 विकेट पर 336 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तानी टीम 40 ओवरों में 6 विकेट पर 212 रन ही बना सकी। तीसरी बार आई बारिश के बाद पाकिस्तान को 40 ओवरों में 302 रन बनाने का लक्ष्य मिला था और खेल रोके जाने तक पाकिस्तान ने 35 ओवर में 6 विकेट पर 166 रन बनाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत की तुलना सर्जिकल स्ट्राइक से की, तो वहीं अन्य नेताओं ने टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए उन्हें भविष्य के मैचों के लिए भी शुभकामनाएं दी।